चलिए खबरों का रुख करेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर की सीएम शिवराज की घोषणा को सराहनीय पहल बताया है। वो दमोह के जय चंदो वाले बयान पर भी कायम है। उन्होंने कहा कि उनका फैसला पार्टी करेगी। वहीं उन्होंने कोरोना को चुनाव से जोड़ने को गलत बताया। गृह मंत्री ने कहा कि जहां चुनाव नहीं है वहां भी कोरोना कहर पर पा रहा है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रेस के कार्यकर्ता भी अपनी जान जोखिम में डाल के दिन भर घूमते, भूखे प्यासे घूमते, एक एक बाइट के लिए जनता की बात सरकार तक पहुंचाने और सरकार की बात जनता तक पहुंचाने का सर्वश्रेष्ठ और सबसे मजबूत माध्यम प्रेस है। और अगर यही लोग फ्रंटलाइन वर्कर में नहीं होंगे तो इनका भी अपना परिवार है, इनके परिवार को भी डर लगता है जब परिवार का मुखिया बाजार में होता है। तो जब हम बाकी सबको रोक रहे हैं, ये बाकी के रोकने की खबर दिखा रहा है लेकिन खुद फ्रंटलाइन वर्कर में नहीं है, ये फ्रंटलाइन वर्करों की वो दिखा रहा है, तो इसके परिवार के लोग हैं। आज मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, सराहनीय, पर जो भी भीतर गाती है उन सब की तरफ इशारा है, एक की तरफ नहीं है। मेरे ख्याल से पार्टी इस विषय में विचार कर रही होगी, निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से। मैंने कहा ना कि कार्रवाई होने की एक प्रक्रिया है, रिपोर्ट आएगी नीचे से आगे बात। चुनाव से आप कोरोना को मत जोड़ो, मैं अकेला इस वक्त में नहीं हूं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक कोरोना है, था सबसे ज्यादा मौतें हुई, कोई चुनाव नहीं था। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोरोना है, था मौतें सबसे ज्यादा हुई, पर वहां कोई चुनाव नहीं था। राजस्थान में कोई चुनाव नहीं था, दिल्ली में कोई चुनाव नहीं था, पंजाब में कोई चुनाव नहीं था, बंगाल में राहुल गांधी जी की सभा फ्लॉप हुई और कोरोना आ गया चुनाव में। निश्चित रूप से जहां दमोह में चुनाव नहीं था वहां भी हमारे कई साथी संक्रमित हुए। इससे दमोह से मत जोड़िए, जान वहां भी गई है जहां चुनाव नहीं था। हमारे विधायक साथी की जान झाबुआ में भी गई है, वहां चुनाव नहीं था।